Kamrad, Special Commissioner of Police, all the dignitaries on the dais, friends, जो कि सब आ जाए हैं. मैक्स इंडिया फाउंडेशन की सीईओ हूँ मैं और हम काम करते हैं हेल्थ केयर फॉर द अंडरप्रिविलेज्ड, यानी कि जो नीडी है उनकी सारी हेल्थ नीड्स पर हम काम करते हैं. सबसे पहले और सबसे जरूरी है हेल्थ अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन, जैसे कि हम टीकाकरण करते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि अगर हम स्वास्थ्य के बारे में सोचें तो सबसे पहले तो वही है ना, प्रिवेंट करना, तो बीमारी होने ही ना दे. इसी तरह हम 360 डिग्रीज हेल्थ इनिशिएटिव्स करते हैं, जिनके बारे में आज मैं बात नहीं करूंगी, पर आज मैं स्पेसिफिकली कैंसर के बारे में करूंगी. आपने डॉक्टर हरित चतुर्वेदी की बात सुनी, वो मैक्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के सर्जिकल वो चेयरमैन हैं. उनके साथ हमारा काफ़ी काम है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग आते हैं जिनको कैंसर है और वो इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो हमारे फाउंडेशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ मदद दे दीजिए. जितना ही हम देखते हैं, हम और भी निराश होते रहते हैं कि 10-12 लाख, मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को भी खर्च करना बहुत मुश्किल होता है. और फिर ऐसे चक्कर में लोग पड़ जाते हैं कि आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए, आप दिल्ली आइए ट्रीटमेंट के लिए, पूरी फैमिली, मतलब जैसे आपने देखा बेटे को स्कूल छोड़ जाता है और एकदम गरीबी में डूब जाते हैं. सो द आंसर इज प्रिवेंशन, ये होने ही ना दें. जब हमें पता है कि 50% कैंसर्स तंबाकू के कारण हैं, तो नेचुरली हमें तंबाकू को प्रिवेंट करना है. इसीलिए हमने मैक्स इंडिया फाउंडेशन में हमने सोचा कि इसके लिए हम बहुत परिश्रम करेंगे, और हमने संबंध फाउंडेशन के साथ एंड वॉइस अगेंस्ट टोबैको के साथ एक हम जुड़े हम और हम दिल्ली पुलिस को हमने अप्रोच किया कि एक कानून भी है कोटा जहाँ लिखा है कि कई चीज़ें हैं, आप पब्लिक प्लेसेस में नहीं स्मोक कर सकते, स्कूल के आसपास आप नहीं सेल कर सकते, फिर भी हो रहा है. तो हमने रिक्वेस्ट करी और मिस्टर कामराज ने बहुत काइंडली अग्री किया, और लास्ट ईयर हमने इसी कमरे में ये प्रोजेक्ट को बड़े धूमधाम से लॉन्च किया. और उसके बाद ये हमारे फ्रेंड्स सामने बैठे DCPs ने, सब ने बहुत कोऑपरेशन के साथ. ऐसे होता है कि जब पुलिस ट्रेनिंग होती है उसके दौरान हम लोग उनको इसकी भी ट्रेनिंग देते हैं कि आप लोग कैसे कॉटपा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे चालान कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई पनिश नहीं होगा वो नहीं रुकेगा. कहते तो क्या हुआ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, जब तक उनका चालान नहीं होगा, उनको कुछ भारी नहीं पड़ेगा, तो वो तो करते रहेंगे. और हम सोचते हैं कि हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम समाज सेवा कर रहे हैं, हमको चाहे जोर से चाहे दबाव से करना ही करना है. और मुझे खुशी है कि एक साल में ये प्रोजेक्ट बहुत आगे बढ़ा है और पिछले एक महीने में शायद 10,000 से ज़्यादा चालान करे हैं, तो वो हम सोचते हैं एक बहुत बड़ी जीत है. इसी से मैं यही कहूँगी, आप लोग सब जो यहाँ हैं, अगर एक एक कम से कम 50 लोगों को ये मैसेज दें कि तंबाकू मतलब सुइसाइड ही समझो, आप उसको नहीं, बिल्कुल उसका सेवन ना करें, और बच्चों को तो बिल्कुल बहुत दूर रखें. और जो मैं पुलिस सब भाई हैं यहाँ, उनको यही कहूँगी कि आपके पास वो पावर है, आप मना कर सकते हैं, हम लोगों की कोई सुनेगा नहीं, आपकी वर्दी को ज़रूर सुनेंगे. तो जो भी सब आपने हमारे साथ काम किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद. I thank you, Mr. Kamraj, for all your support.